बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीगल टीवी नाजी ग्राम अलहमदुल्ला सुम अलहमदुल्ला पा पाँ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं दरस कुरान दरस हदीस ने दरस फिका। अल्लाह ने रसूल करुणो एहसान के रब पाक पे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके ने वसीले से पा वे निकाम मे खिदमत गिनी है। नाजी ग्राम आज पाँच प्रोग्राम में जरा खास मेहमान ग्रामी तरीके मौलाना गुलाम हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाई। आपके खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। नाजी ग्राम आज दूरो दराची सफ़र कर कपे अने आज पाँच प्रोग्राम में खास सना खुआ अल हसान मिलाद मिलाद मुस्तफ़ा ग्रुप इन जहाँ अराकिन खास जाहिद भाई पाँच प्रोग्राम में शामिल ही आपके पा खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाजी ग्राम इन्हीं के साथ है मेहमान ग्रामी तरीके पर इन्हीं साथी आया हैं मोहम्मद रफीक भाई इन्हीं साथ तशरीफ़ फरमाई ये बुद्धि तशरीफ़ फरमाते हैं आज इन्हीं तमाम बॉय अराकिन के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ साथ नाजी ग्राम कैमरामैन अकबर भाई नोड़े असिस्टेंट कैमरा भाई अनवर भाई सुमरा बॉय पाँच कैमरामैन हाजिर इनशाला। ईगल टीवी मत एक खसूसी खास नात खानी जो इनशाला प्रोग्राम जो आगाज कर इन सिलसिले में इनशाला जाहिद भाई साथ चर्चा कहसी मौलाना गुलाम हुसैन साथ चर्चा कहसी इन कैमरामैन अकबर भाई साथ इनशाला चर्चा कहसी। नाजी ग्राम खास आज खसूसी पाँच जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है तारत मथे है तो यानी पाकिजगी मथे इन मथे खास मौलाना गुलाम हुसैन साहब रानी मालूम कहसी इन इलम के मुताबिक नात खानी जो इनशाला आज फरमाइश मथे पे कोशिश कहसी कि आज फरमाइशी कलाम इनशाला पढ़े की कोशिश कई जाहिद भाई इन अलावा इन्हीं की फरमाइश पे मुझी फरमाइश खास खुशूसी इनशाला पाँ इन समात कहसी आगाज क्यों कलाम पाक की तलावत से अने कलाम पाक की तलावत ना करे मधु कया दावत दिया मौलाना गुलाम हुसैन साहब के कि आप पाके कलाम पाक की तलावत से फैजिया करिए मुख्तसर कलाम पाक की तलावत। बिस्मिल्लाह मुंशद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر। अल्लाह जे नाम ते शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाए वरो है। बेशक असा आके हर खैर फजीलत में बे इंतहा कसरत बख्शा सिंह फसल्ले लरब्बिका वनहर। बस आई आजे रबला करे ने नमाज पढ़दा रहो अने कुर्बानी दींदा रहो ई हदीए तशक्कुर है। इन शान अक हुवल अबतर। बेशक आजो दुश्मन ही बे नस्ल अने बे नामो निशान थई विंदो। सदक अल्लाह मौलाना अजीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया मल साहब। आगाज कहीं बरकतन हदीस करीमा समात कहीं मौलाना गुलाम हुसैन साहब की जबानी इनशाला बाद में जाहिद भाई की खिदमत में अचासी कारी असलम साहब पर तशरीफ़ फरमाए इनशाला कलाम शामिल करने की कोशिश कहसी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم अल ईमानो बिज़ऊं व सबऊं शोबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन हदीस पाक जा रावी हज़रत अबू हुरैरा आई हुज़ूर फरमाई ता अल ईमानो बिज़ऊं व सबऊं शोबा। ईमान जो सिंते थी पण ज्यादा गच शाखूं डारकियूं ई फअफज़लुहा इन्हीं शाखें डारके में जाती अफजल शाख अफजलुहा कौलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है व अदनाहा अने इन में जाती नीचारा डारकी अदना डारकी इमातुल अज़ा अनि फरीक यानी रस्ते मथे जुको पण शय तकलीफ डिने वरी है उनके रस्ते मथा थी हटाए वजनो वल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान अने हया अदब हसीमत ई पण ईमान जी शाख में जाती है। इन जो मुख्तसर तशरी ई है जो हदीस शरीफ आज मुझे आकाश सल्लल्लाहु तआला समझो फरमान वे तो आज मुझे आकाश सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाले वसल्लम इरशाद फरमायो जी ईमान है जो ई एकड़े दरख्त जे मानिंद है उनमें जाती कई इन जो डारकियूं हुई बेशुमार उनमें जाती इन हदीस शरीफ के अंदर सिंते डारकियों जो जिक्र आयो है अने चवन था अफजल आला ऊंची शांख त ला इलाहा इल्लल्लाह त अगर पाके दुनियावी उखरवी जेड़ी पण तकलीफ वे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जो विर्द करे पूरी एकड़ी तस्बीह अने आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह मुकम्मल करे
અને દુઆ કરી બોસી આગળ પાછળ દુરૂદ શરીફ તો અલ્લાહ તબારક તાલા પાંજી દુઆ કે ઇનશાઅલ્લાહ તાલા હુઝૂર જી ઇન હદીસે પાક જી બરકત સે દુઆ કડે રદ નહીં કરે પો ચેતા વાદના હા અને ઇન મજાથી નિચારા વરી જાડકી આયત ઈમાન જેસે મજાથી ઉ કેવો હે ઇમાતુલ અઝા અનિ તરીક રસ્તે મથાથી એટલે જો કો આમ રસ્તો હે ઇન રસ્તે મથાથી ઓ પણ સિર્ફ મુસલમાન વંજે તા ઈ ન બલ્કિ કોઈ પણ મુસ્લિમ વે ચાહે ગેર મુસ્લિમ વે હતા કે કોઈ જાનવર પણ વિંદો વે ઉનકે તકલીફ નથી એ તેના કરીને ઉન ચીઝ કે હટાય વજુ ઈ પણ હુઝૂર ફરમાઈએ તો ઈમાન જેસે મે જાતી હે ઈમાન જે હણે ઇન હદીસ શરીફ જો તો ઓર વજાત પા અગર કલ્લા કરે વણો તો ઘણે ટાઈમ લાગી વણે મુક્તસર એતરો જ અગર કે કે તકલીફ દીણી ઇનતાઈ સાબિત તો અગર કે કે પા જબાન સે તકલીફ યા હાથ સે તકલીફ દીણી તો ઈ ઈમાન જેસે મે જાતી ના હે ઉન જે ઈમાન મે કી કમી હે અગર કોઈ કિન કે તકલીફ થી બચાય તો તકા જે ઈમાન જેસે મે જાતી હે ખપે ઇન્સાન વે ખપે જાનવર કોઈ મખલૂક મે જાતી જો કો પસાવરી ચીઝ હે ઉનકે તકલીફ મે જાતી બચાય તો હુઝૂર હી ફરમાઈએ તા ઉકા જે ઈમાન જેસે મે જાતી હે અને હયા હયા અદબ હસીમત હે ઈ ઉલમા ઇકરામ ફરમાઈએ તા જ અદબ હે જો કો ઈ જે વટે અદબ આય ઉન વટે દીન હે ઇનજી પ તશરી ગણે કરીએ તા બો અલ્ફાઝ ને સાથ આને સમય જિક્ર કરિયા જ અદબ ઈ હે જ હર હકડે જા હક પામથે જો કો ફરજ હે પામતે લાઝમ યાને અલ્લાહ જા હક કઈ બંદે જા હક કઈ ઉની મિણી હકે કે ખાસે તરીકે સે અદા કરે જો નાલો અદબ હે બસ ઈ હદીસ શરીફ હે અને ઈ હદીસ શરીફ મુસ્લિમ શરીફ જે લફ્ઝ હે અને હદીસ પાક તા મુત્તફકુન અલે યાને બુખારી અને મુસ્લિમ માશાઅલ્લાહ શુક્રિયા મર સાહેબ નાજીકરામ આગાજ કંદા સી કલામ સે યાની નાતિયા કલામ સે ઇનથી પહેલા પાજે પ્રોગ્રામ ની શામિલી કારી અસલમ સાહેબ આપકે પણ ખૈર મકદમ અસલામ અલયકુમ સે માશાઅલ્લાહ સુબહાનઅલ્લાહ નાજીકરામ જાહિદ ભાઈ ખિદમત માં ચા ઇનશાઅલ્લાહ અને બાદ મેં કાલ સાહેબ જી ખિદમત માં કાલી અસલમ સાહેબ જી ખિદમત અચીંદા સી જાહિદ ભાઈ કેવો કલામ આગાજ કંદા સી પ્રોગ્રામ જો કલામ સે પ્રોગ્રામ જો આગાઝ હમ થી કઈ માશાઅલ્લાહ આગાઝ કે હમદે બારી તાલા સે કાલી સાહેબ મેં સાથે સાથે માશાઅલ્લાહ પડી સલ્લલ્લાહુ અલયહી કયા યા રસૂલલ્લાહ વસલ્લમ અલયહી યા હબીબલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ 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 યા અલ્લાહ યા રહમાન બાત બન બન કે બિગડ જાતી હૈ સારી દુનિયા હમે તડપાતી હૈ બાત બન બન કે બિગડ જાતી હૈ સારી દુનિયા હમે ઠુકરાતી હૈ મુંતશિર ક્યું હૈ હમ ડગમગાતે હૈ કદમ જોશ રહેમત તો દિખા આંસુ બહેતે હૈ સદા યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ 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 યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ 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 સુબહાનઅલ્લાહ 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 કાલ સાહેબ કેવો કલામ
माशाल्लाह आगाज कयो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह माशाल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह कि कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं जिसका फानी जहां में नहीं है कि कैसे तारीफ उसकी करूं मैं जिसका फानी जहां में नहीं है कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं जिसका सानी जहां में नहीं है कि मेरे सरकार की जात है ये दिल जलों की कहानी नहीं है कि मेरे सरकार की जात है ये दिल जलों की कहानी नहीं है आपने तवज्जो शेर है इरशाद कि जिस गली से गुजरते थे आका देर तक वो महकती हमेशा जिस गली से गुजरते थे आका ढेर तक वो महकती हमेशा क्यों कि मेरे आका की खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू जहां में नहीं है कि मेरे आका खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू जहां में नहीं है और वो खसारे में होगा यकीन रोज महशर में कल देख लेना कि वो खसारे में होगा यकीन रोज महशर में कल देख लेना कि कमली वाले मेरे मुस्तफा की बात जिसने भी मानी नहीं है कि कमली वाले मेरे मुस्तफा की बात जिसने भी मानी नहीं है कि कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं जिसका थानी जहां में नहीं है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहना माशाल्लाह बोल साहब जी बोल आजी खिदमत मचा कॉलर जी खिदमत में इंशाल्लाह चिंदा सी कलाम चालू है तो मतलब तो पर कॉल हमेशा कहींदा रहंदा कोनी से गुजारिश पर हर वक्त कहींदा रहंदा कि जताने नात को हजरत सना को हजरत को कलाम पढ़दा है तो इन दरमियान आज जो कॉल रिश्यू न थे काके लाइन ते दीनो हो तो इधर ला करे रिश्यू न तो सही सके फिलहाल मोइन भाई गालिबन मोइन भाई जो कॉल है मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह खास मौको नेरे ने कॉल करे गड़ाए जी वाह साहब जाहिद भाई आया यहां जो जाहिद भाई से लाइव कॉल कर यूं अच्छा अच्छा बेटा आज मदीने में सफर करे जी इंशाल्लाह चौथे महीने में इंशाल्लाह जिंदो होगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खासी गाल है अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चे जो पण मुस्तफा जो जो को नाबीनु बच्चो ईगल टीवी में आयो इन बच्चे जो पण इंशाल्लाह चौथे महीने में सफर है अल्लाह करे आजा हम सफर बनी में आज जब भाई जो को यासीन साहब जी 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 माशाल्लाह
ठीक है इंशाल्लाह जाहिद भाई जो जैन नशीन कलाम हों जरूर जाहिद भाई पेश करने की कोशिश कहेंगे एनी वटा नहीं पांग कलाम समाप्त करना चाहिए शुक्रिया बेटा जाहिद भाई फरमाइश दौर शुरू थी चुको है इंशाल्लाह शकील भाई खत्री जिनका उस्ताद अड़ा में शागिर्द की कलम की फरमाइश कयाशाला कलम जैसे हुक्म दी गुफ्तगू यानी गाल बोल चालू न थिए या जो कॉल रिसीव थी वे एटाने कॉल न करे तो बेहतर रहंदो अस्सलाम वालेकुम जी बेटा टीवी जो आवाज आ जो चालू है बेटा हर हम वक्त कॉल कयो ता बांजो टीवी जो आवाज चालू है तो ता संग डिस्टर्ब दे तो बेटा जी बेटा नाची फरमाइश है के नाची फरमाइश है बेटा बेटा आज इंशाल्लाह फरीद दोबारा कहां के शामिल करने की कोशिश करते थे कदे जदे नाथ को स्टोरीज में मौजूद न है आज अल्हम्दुलिल्लाह पाजे प्रोग्राम जे में बड़ी दूर दराज की तशरीफ फरमा थे जाहिद भाई कारी असलम साहब शामिल है इंशाल्लाह जदे न हुंदा त इंशाल्लाह आके शामिल कयूं पड़ता पर आज पाजे स्टोरीज में जरा मौजूद है એટલે इंशाल्लाह आके नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते ठीक है बेटा जी 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 नहीं के तो होना फरमाइशी कलाम इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करें शुक्रिया बेटा ठीक है माशाल्लाह सैयद मेहराज मां जाहिद भाई अक्सर कारी साहब के ख्याल है मौल साहब की खबर अक्सर प्रोग्राम जे जन कोई नाथ माजरा शामिल नता थी सके तन में ई कॉल जे जरिए शामिल थे था मोइन भाई पण शामिल थे था इन जे अलावा कई नाथ को और भी शामिल थे था कॉल जे जरिए शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह ई अल्लाह जो करम है के लाइव कॉल जे जरिए पण सिस्टम है के नाथ को शामिल थे सके दूर दराज थी थी सके था अने अल्हम्दुलिल्लाह गई काल एकड़ो ईगल टीवी जो प्रोग्राम रखिया सी मैं अपने घर आना चाहता हूं ओकरा कैद जे में जा रहा को उन बच्चे ला कर दुआ या प्रोग्राम मुख्तसर प्रोग्राम सराई जिम जी मौको मिलो ओडा पर जाहिद भाई कलाम पढ़े अने दुआ कर इनके अलावा दुआ या मुल साहब दुआ फरमायों अने उन प्रोग्राम जिम असी शामिल थे कैमरामैन अकबर भाई नोड़े हुआ उन प्रोग्राम शामिल थे ऊ साहेब घर जो बच्चो कैद है उनके घर में वही शूटिंग क्या तो मुटा ऊ जो फील उन वक्त जो जो है माजरो मुटा बयान तो थी सके उन्हीं की वालिद अने वालिदा जो हुआ चेहरे जा पांचो तो वे दुख के साथ है कि वह बच्चों कैद जिम्मे जा रहा है पा तमाम मिली फरीद बार नाजिक्राम से वारज कह तो कि मारे मिली करें बच्चे ला करे या अड़ा कोई ना हक जदा पण जिन चीज जिम्मे जरा फसल है उन मिणी ला करे पा दुआ कहीं कि अल्लाह पाक उन्हीं के जल्द से जल्द पेंजे कुटुंब कबीले के साथ मिले अड़ी पा दुआ क्यूं था इनशाला जाहिद भाई मौल साहब की खिदमत में सवाल पेश करें बाद में इनशाला आज की खिदमत में कारी साहब की खिदमत में मौल साहब अगर कोई खाधे या अड़ी रसोई जिम्मे जरा मक्खी वगैरह छणी पे घर जिम्मे जरा मक्खी रहती ये ओडे वेठी थी अक्सर ये मक्खी वगैरह छणी पे तो इनसे खाधे में कड़ो फर्क पवन जी भाई साहब आम खाधे के अंदर अगर पई हुई तो उन्हें मिली हुई तो अगर पे खबर है तो उन खाधे के तो यानी जानवर वगैरह रही दूँ ये बेहतर है पर अगर चाय में या पीने में वो पण खाधे पीती पीने में अगर पई हुई एकड़ो पख बोड़ी थी तो उलमा इकराम फरमाई था जो उनके बोए पख उन जा बोड़े वेझो बुआ डुबकी मारे कर उनके फेंकाए दियो परिला करें एतरीला करें जो एकड़े पख के अंदर उनको वबा है यानी बीमारी है बे पख के अंदर शिफा है तो बुआर डबोड़े कर उनके फेंगे दिनासी इन पानी के इस्तेमाल कयासी तो इन पानी से कि पान तकलीफ वगैरह नहीं थी अगर एकड़ो पक बोडल लाइन पा कढ़ी कर फेंगे दिनासी तो इम्कान है इनसे बीमारी थी सके थी बेहतर ये अगर इंज मुझा मक पई है डायरेक्ट फेंगे दींदा खीर के चाय वगैरह के तो इस रात में शामिल थी तो अला कर बुआर डबोड़े कर फेंगे दियो न उनके इस्तेमाल कर सको माशाला शुक्रिया मुल साहब तमाम नाजिक्राम जी इल्म जी में जरा इजाफो प्रत्ये होंद खास कर मुल साहब मुझे इल्म जी में जरा वधु में वधु इजाफो थे तो उनको कारण है कि अक्सर कॉल प्रोग्राम के बाद में कई मरतबा आबाब कॉल कहता वेंता तो
مجھے ذہن نشین ہوتا تو انشاءاللہ جواب دینے کوئی مجھ سے اجازت جی جی با صاحب پاں کے حدیث شریف کے اندر ہے جان جان میں آکا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا جو یعنی حجت الوداع جو کو آخری جو کو خطبہ ان میں پڑھائے جان جان میں آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے جو کوئی کلام سنی رہے آئی آٹے کلام پجے تو یہ سنی کرے انے بے کے سنا جی پریلا کرے اطلاع کرے تھی سکے تو جو آئیں سویا انے ان کے آنجے حافظے میں کترا ڈی رکھی سکو تو انے یا آنجی کتری عمر تو ان قول کے ان فرمان کے ان مسائل کے بے سودی پجائے تھی سکے تو آن تھی او حافظے میں بہتر وے انے بہتر جگہ تے اوڈا اوڈا گھومی وارو انے بے جگہ تے پجائے دے تا اگر ایڑو کوئی پا دینی گال پاں وٹے آوئی ہے انے پاں کے یقین ہے جے ان جو جواب ای جائے تا اگر بے کے پجائے انو ای آنجن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی خود حدیث شریف جو حکم ہے بلکہ جو کو ان ماتے عمل نتا کریں او گنہ گار تھی ہیں تا پاں وٹے آئے کوئی دینی معلومہ تو بے سودی پجائے انو افضل ہے آنجن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جو فرمان بلکہ ارشاد ہے حکم ہے بس الحمدللہ اللہ نے رسول کروڑ احسان مول صاحب پانچ جو کو سوالات ہی دینی کم ہلی رہے جی. ان جا کترا سوالات تھے اج جی ایپیسوڈ سے با صاحب ہوں اگر پا نیلا کرے ونجو تا غالباً چار وارے تھی پا جی قریب قریب تھیا تو ان میں اگر پا مسائل جا ٹوٹل کرے لا ونجو تا تو ٹوٹل میں انا شمار نہ کر سکیا تھی پر اترو اں جے میں ضرور چوندو سے ج خالی طہارت متے پاکی متے اج جو غالباً چھلو یا ان پٹھی ایکڑو تھئی سکدو طہارت متے یعنی ایپیسوڈ ایکڑو پروگرام تھئی سکدو تے ای طہارت جا جو کو مسائل ہیں صرف بوکوندا اور بھری پئی کلاج پائی جو کو سوال بابا صاحب جی بارگاہ میں کریو تے ای اردو میں لکھا دوں بابا صاحب جی بارگاہ پو اواں تھی پو حوالات وغیرہ لا کرے نے گجراتی دے اندر پنے ریوں تے ای خالی طہارت متے 643 مو یعنی سوال لکھا جی جواب نے سوال بو لکھا جی ہیں الحمدللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک کالر کے شامل کریں بعد میں جاہد بھائی خدمت میں مچا غالب لائن ڈرتے ہیں جاہد بھائی کیو کلام ہے جو کو پا کے فرمائش کرے میں اوی جی وہ فرمائش کلام وہ فرمائش ایکڑا وہ پا گے ایپیسوڈ میں گجراتی پڑھیا ہوا سی جی جی انشاءاللہ ٹائم ہوندا تو پڑھیندا سی جی جو کو پنجابی کلام جو کو فرمائش کیا جی وہ پیش کیندا سی جی ایک بو بادشاہ پیش کین تھی پہلا کرو جاہد بھائی اجازت کال شامل کر گنو غالباً ہاں جی محبت والا السلام علیکم ہاں جو ٹی وی جو آواز ناظرین کرام سے عرض ہے وقت پاؤں محدود ہے اتنے لگے برائے مہربانی ٹی وی جو آواز بند رکھی نے کال کر شامل کر جائے آغاز کے کلام سے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ اللہ رب العزت حضرت جبریل امین سی فرمائی ہے تا کہ ہانے آئی وقت نہ گاوایا جلد سے جلد مجھے محبوب کے کھانی ہے لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ مالک جہان دیوینا مالک جہان دیوینا ایک پل بھی چھوڑا سین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا اے ہو نبی آخری اے ہو نبی آخری تے اے ہو میرا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ کیسا ہے کیوں کلام ہے
نسبت سے کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نسبت لگی ہوئی تھی تو ان کی اور چار چاند لگے کہیں صاحب اجازت کالر شامل کیا گالے پر آج محبت والا ہوں تو جاہد بھائی جی محبت والا ڈراپ تھی ہوگا السلام علیکم جی بہن روزی روزگار دل لگی کام کرے لگی ان شاء اللہ مول صاحب جواب دینے کی کوشش کرندا ہوں شکریہ گھر میں نہیں جتنی کوشش کریں یعنی کہ جا کا ائی سے کھپے تے ونی پوسا کا ہے اور پتہ باٹ ونی